चैनल चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या है। मर्ज टू बीएसटीज। यार आज का क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, नॉर्मल मर्ज शॉर्ट की तरह है, बट पता नहीं क्यों चल नहीं रहा है, मेरा दिमाग नहीं चल पा रहा है टायर्डनेस की वजह से, या मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत है। तो मैं इसको जैसे हो रहा है वैसे करके बता रहा हूँ, इसका लॉजिक मैं पूरा समझा दूँगा जो होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन अगर कुछ आप इसमें कुछ वैल्यू ऐड कर पाओ, मुझे समझा पाओ, तो प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट द पार्ट अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। तो चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन? गिवन टू बीएसटीज, रिटर्न एलिमेंट्स ऑफ मर्ज बीएसटी इज इन सॉर्टेड फॉर्म। देखो यार, बीएसटी गिवन है, ठीक है, बीएसटी गिवन है, इसका मतलब क्या होता है? बीएसटी का सिंपल मतलब है जो रूट है उसका जो लेफ़्ट एलिमेंट होगा, इसके लेफ्ट सबट्री में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 5 से छोटे होंगे। लाइक अगर मैं रूट को 5 लेता हूँ तो इसके लेफ्ट सबट्री में सारे एलिमेंट्स 5 से छोटे होंगे और इसके राइट सबट्री में सारे एलिमेंट उससे बड़े होंगे। अब जो ये जैसा भी आकार बन रहा है तुम्हें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, ठीक है, ये वो दो नहीं है जो आप समझ रहे हो। अब देखो इसके लेफ्ट सब ट्री में क्या है? 3 है। क्या इससे छोटा है? हाँ छोटा है। इसके राइट सब ट्री में क्या है? 6 है। 5 से बड़ा है? हाँ बड़ा है। अब 3 जो है रूट है, अब इसके लेफ्ट सब ट्री में इससे छोटे एलिमेंट आएंगे। क्या 3 से छोटा 2 है? 2 5 से भी छोटा है? हाँ। क्या 4 जो है 3 से बड़ा है? हाँ। और 5 से छोटा, मतलब लेफ्ट सब ट्री पूरा सेटिस्फाई हो गया? हाँ हो गया। तो मतलब क्या है, ये मेरा बीएसटी है। बीएसटी समझ आया कि रूट है, उसके लेफ्ट में उससे छोटा एलिमेंट, राइट में बड़ा एलिमेंट, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। ये दो हमारे बीएसटीज गिवन है, एक ये है 2 फिर 1, ठीक है। अभी इन दोनों को ही ले लेते हैं। अब देखो, अब हमें क्या करना है कि हमें ऐसा वेक्टर रिटर्न करना है जो दोनों बीएसटी को हम मर्ज करें, ठीक है, दोनों बीएसटी को हम मर्ज करें। अब देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एम प्लस एन, मतलब मुझे पूरा बीएसटी 1 को ट्रैवर्स करना है, बीएसटी 2 को ट्रैवर्स करना है, ठीक है। और ऑक्सिलरी स्पेस क्या है? बीएसटी 1, बीएसटी 2 की हाइट, बीएसटी 1 की हाइट और एम प्लस एन, मतलब मैं बीएसटी 1 को स्टोर कर सकता हूँ, बीएसटी 2 को स्टोर कर सकता हूँ और इन दोनों के मर्ज को स्टोर कर सकता हूँ। तो ये मेरा क्या है, मर्ज शॉर्ट की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। देखो इसका मान लो m है, इसका n है, तो m प्लस n प्लस m प्लस n, मतलब हाइट ऑफ m प्लस m प्लस n, ये हमारा स्पेस है और बिग ऑफ m प्लस n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब m को ट्रैवर्स कर लो, n को ट्रैवर्स कर लो। अब देखो, अब इसमें सॉर्टेड क्या होता है? अब देखो तीन तरीके के ट्रैवर्सल होते हैं मेरे, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, जिसमें से इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जो देता है ना बीएसटी का सॉर्टेड फॉर्म देता है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है? जैसे ये मेरा बीएसटी है 5 3 6 2 4, ये मेरा बीएसटी है। अब देखो इन ऑर्डर मतलब क्या है? लेफ्ट, रूट, राइट, पहले मैं लेफ्ट में जाऊंगा, फिर रूट में जाऊंगा और फिर राइट में जाऊंगा। तो बीएसटी का क्या है, सॉर्टेड मतलब सॉर्टेड एरे या वेक्टर मुझे मिल जाएगा, ठीक है। देखो अगर मैं क्या कहता हूँ, लेफ्ट में आता हूँ, अभी लेफ्ट है, हाँ है, फिर लेफ्ट में आया, अभी लेफ्ट है, लेफ्ट में जाएंगे, नहीं है तो वापस आओ, तो अब क्या है, रूट, तो लेफ्ट के बाद क्या है, रूट, तो 2 को डालो, फिर लेफ्ट हो गया, अब रूट में जाओ 3, अब राइट में जाओ 4, इसका लेफ्ट नहीं है, अब रूट में जाओ, ये मतलब पूरा लेफ्ट पार्ट हो गया, हाँ, अब रूट क्या है 5, अब राइट में जाओ 6। अब देखो ये क्या है, पूरा सॉर्टेड पार्ट आ रहा है। अब इसी तरीके से इस बीएसटी का उठाऊंगा तो इस बीएसटी का भी क्या आएगा, पूरा का पूरा सॉर्टेड ही आएगा। देखो अब क्या है, जैसे 2 है, 1 है, देखो 2 है, ये क्या है, रूट है, इसके लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में आए तो पूरा लेफ्ट कवर हो गया 1, अब क्या है, लेफ्ट पार्ट हो गया, अब इसके रूट पार्ट पे आओ तो 2, अब इसके राइट पार्ट में जाओ तो राइट पार्ट अभी है तो ये क्या हो जाएगा, रूट, अभी क्या है, इसका लेफ्ट है, नहीं, तो इसका क्या है, रूट उठाओ, अब इसके राइट में जाओ, अब इसका लेफ्ट है, नहीं, हाँ है, सॉरी, 6 उठाओ, ठीक है, फिर 6 को कर लिया, अब लेफ्ट हो गया, अब रूट को उठाओ, अब कोई राइट है इसका, नहीं है, तो 1 2 3 6 7 इसका भी क्या है, सॉर्टेड है, और 2 3 4 5 6 इसका भी क्या है, सॉर्टेड है। अब हमें क्या करना है, इसमें मर्ज शॉर्ट लगानी है, ठीक है। मर्ज शॉर्ट क्या होती है, दोनों एरे की, जैसे दो डिफरेंट एरे हैं 2 3 4 5 6, ठीक है, ये मेरा एक एरे है और 1 2 3 6 7 ये मेरा एक एरे है, तो इस एरे को मतलब ये मेरा आई हो गया और ये मेरा जे हो गया, तो मैं एक अलग से वेक्टर बनाऊंगा जो होगा m प्लस n साइज़ का, ठीक है, जिसमें मेरा आंसर जाएगा। अब मुझे इसमें कैसे करना है, कंपैरिजन करना है। फॉर एग्जांपल
कि मुझे इन दोनों में देखना है, इसमें और इसमें, जो नंबर छोटा होगा उसको मैं पुश कर दूंगा और उसका इंडेक्स को बढ़ा दूंगा। लाइक वन और टू में कौन छोटा है, वन छोटा है तो वन को पुश करो और इसका इंडेक्स आगे बढ़ा दो। क्या अब इन दोनों में जो छोटा है उसको पुश करो, दोनों बराबर हैं तो किसी एक को भी पुश कर दो और इंडेक्स आगे बढ़ा दो। अब थ्री और टू में कौन छोटा है, टू छोटा है तो टू को पुश करेंगे और इसका इंडेक्स आगे बढ़ जाएगा। जिसको पुश कर रहे हैं उसका इंडेक्स इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है। अब थ्री और थ्री में कौन छोटा, बराबर है तो किसी का भी पुश कर दो और आगे बढ़ा दो, ठीक है। अब सिक्स और थ्री में कौन छोटा है, थ्री छोटा है तो इसका आगे बढ़ा दो। फोर और सिक्स में कौन छोटा है, फोर छोटा है इसको आगे बढ़ा दो। फाइव सिक्स में कौन छोटा है, फाइव छोटा है इसको आगे बढ़ा दो। सिक्स और सिक्स में किसी का भी बढ़ा दो, ये बढ़ा लिख दिया और ये हो गया ख़त्म, ठीक है। तो इस एरे के एलिमेंट तो मैंने सारे ट्रेवर्स कर लिए लेकिन इसके बच गए। तो देखो जब हम मर्ज शॉर्ट करते हैं, आई थिंक आप सबको मर्ज शॉर्ट पता होगी कैसे करते हैं, नहीं पता तो आई विल टेल, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं कि हमारा ये पूरा कंसेप्ट था, ठीक है, ये पूरा कंसेप्ट था। अब कोड का कंसेप्ट क्या होगा इन ऑर्डर ट्रेवल्सल का, या फिर जो भी हमारा मर्ज शॉर्ट है वो। देखो ये मेरा जो है 5 3 6 2 4, इसका इन ऑर्डर ट्रेवर्सल मुझे करना है। तो सिंपल सा एक मैं क्या बनाऊंगा, वॉइड फंक्शन बनाऊंगा, वॉइड DFS, या इसका नाम कुछ भी दे सकता हूँ, इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। अब ये क्या मिल लेगा मेरा नोड, ये नोड लेगा, एक रूट लेगा, ये एक रूट लेगा, और इन सबको कहीं स्टोर करना है तो एक वेक्टर ले लेगा, ठीक है, एक वेक्टर ले लेगा। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये बोलेगा अगर रूट नहीं है, अगर मेरा रूट नहीं है, इसमें रिकर्जन कैसे काम करेगा वो देखना, अगर मेरा रूट नहीं है तो रिटर्न कर जाओ, क्योंकि मेन इसमें सीखने के लिए रिकर्जन है और कुछ नहीं है। अगर रूट नहीं है तो मेरा क्या कर जाओ, रिटर्न कर जाओ। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कह रहा हूँ, 5 है, क्या मेरा रूट है, मेरा रूट है तो मैं अभी रिटर्न नहीं करूँगा, ठीक है। और DFS क्या करो, लेफ्ट नोड के लेफ्ट में जाओ, ठीक है, सॉरी रूट के लेफ्ट में जाओ, रूट के लेफ्ट में जाओ और एरे पे जाओ। तो जब एक्सट्रीम लेफ्ट में आ जाओ उसके बाद लेफ्ट में कुछ ना बचे तो क्या कर दो, आंसर में मतलब एरे में एरे डॉट पुश बैक, हमें क्या कर दो, रूट की रूट का डेटा डालो और फिर कहाँ जाओ, DFS ऑफ रूट के राइट में, ठीक है। अब इसका जो है मेनली क्या समझना है, रिकर्जन समझना है। अब फॉर एग्जांपल ये 5 है, ठीक है, 5 है, ठीक है, ये मेरा क्या, इसको मैं, ये मेरा कोड है, ठीक है, ये एक स्टैक में जाएगा। अब देखो अब इसका रिकर्जन, जैसे 5 है तो मेरा 5 क्या है, रूट है, हाँ है, तो ये क्या करेगा भाई, अपने लेफ्ट में अब ये वाला कोड चलेगा, लेफ्ट वाला, ये बोलेगा लेफ्ट में जाओ, वो बोलेगा ठीक है लेफ्ट में गया। ये बोलेगा 3 है, ये बोल, अब इसका जो है कोड पूरा क्या था, लेफ्ट फिर रूट में पुश करना और फिर राइट, लेकिन ये लेफ्ट वाला कोड चला तो ये यहाँ गया। अब इस पर आया 3, इसका पूरा कोड है लेफ्ट फिर रूट में पुश करना, मतलब आंसर में पुश करना, आंसर एंड देन राइट, ठीक है। लेकिन अभी ये है 3 है नॉट रूट, हाँ, तो अभी क्या करेगा, फिर से लेफ्ट में जाएगा, फिर से लेफ्ट में जाएगा, तो लेफ्ट में कौन है, 2 है, तो 2 के बाद पूरा कोड में क्या है, 2 है, लेफ्ट में जाना है, आंसर में डालना है और फिर राइट में जाना है। तो अभी ये क्या करेगा, लेफ्ट वाला, अब ये देखेगा रूट का लेफ्ट है तो इसके रूट के लेफ्ट में जाएगा, ठीक है, 2 के लेफ्ट में गया। तो जब 2 के लेफ्ट में गया तो इसने ये देखा, इफ़ नॉट रूट, अगर रूट नहीं है तो क्या कर जाओ, रिटर्न कर जाओ, अगर रूट नहीं है तो क्या कर जाओ, रिटर्न कर जाओ। तो जब ये रिटर्न आएगा तो लेफ्ट वाला कोड चला तो यहाँ आया, जब ये रिटर्न आया तो लेफ्ट वाला कोड कंप्लीट हो गया। अब रिटर्न आया तो इस पर रूट में क्या, आंसर में क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा, ठीक है, आंसर में। अब ये रिटर्न है तो वापस जाएगा, आंसर में क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा। अब ये क्या करेगा, राइट वाला एग्जीक्यूट करेगा, अभी इसके राइट में जाएगा, तो राइट में चेक करेगा, रूट है नहीं, रूट नहीं है तो अब क्या कर जाएगा, रिटर्न कर जाएगा। तो मतलब इसका ये वाला भी कोड चल गया, ये भी कोड चल गया, ये भी कोड चल गया, तो अभी रिटर्न करेगा। अभी किसके पास जाएगा, 3 के पास जाएगा, ठीक है। तो 3 का लेफ्ट वाला कोड हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आंसर वाला कोड चलेगा तो आंसर में क्या जाएगा, 3, ठीक है। अब आंसर में क्या जाएगा, 3, तो ये वाला कोड चल गया। अभी ये राइट वाला कोड चलेगा, राइट वाला कोड चलेगा तो कौन आएगा, 4, फिर लेफ्ट और आंसर और राइट, तो 4 वाला, अब ये जाएगा इसके लेफ्ट में, तो लेफ्ट में कुछ नहीं है, ठीक है, तो ख़त्म, तो आंसर पुश करेगा। अब इसके राइट में जाएगा, राइट में कुछ नहीं है तो वापस आ जाएगा, ठीक है, राइट का भी कोड ख़त्म हो गया,
तो वापस थ्री के पास गया, तो थ्री के लेफ्ट आंसर राइट पूरे कोड ख़त्म हो गया, हाँ हो गया। अब फाइव के पास आया तो फाइव का लेफ्ट वाला कोड ख़त्म हो गया, हो गया। अब आंसर में आंसर वाला कोड है क्या है, पुश करेंगे फाइव। अब इसके क्या जाएगा, राइट में जाएगा सिक्स, ठीक है। सिक्स के लेफ्ट में जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, वापस आएगा, सिक्स को पुश करेगा, फिर राइट में जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, वापस आएगा। तो ये इस तरीके से मेरा रिकर्जन इसमें काम कर रहा है। तो ये तो था मेरा हमारा इनऑर्डर ट्रेवर्सल का कोड, ठीक है। अब इसमें मर्ज शॉर्ट कैसे करते हैं, मेन हमें वो है, ठीक है। अब इसमें मर्ज शॉर्ट कैसे करनी है, अब देखो जैसे 2, 4, 8, 9, 9, 10, 2, 3, 6, ठीक है। जैसे ये मेरे एलिमेंट्स हैं, अब मैं क्या करूँगा कि दो, अब जो इनऑर्डर ट्रेवर्सल में मैंने दोनों बीएसटी को पास करना है, दोनों बीएसटी के मेरे पास इनऑर्डर ट्रेवर्सल आ जाएंगे सॉर्टेड फॉर्म में। अब जैसे ही मेरा क्या है सॉर्टेड फॉर्म में, एक फॉर एग्जांपल ये मेरा एक बीएसटी आया बीएसटी वन और ये मेरा बीएसटी टू आया, तो मैं क्या करूँगा एक वेक्टर आंसर लूँगा और इन दोनों को मर्ज करने की कोशिश करूँगा। तो ये मेरा आई होगा, ये मेरा जे होगा। अब इन दोनों में जो छोटा है, मतलब इफ़ एरे ऑफ वन ऑफ आई लेस देन ये, तो मैं पुश कर दूँगा और आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है। अगर पुश कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो एल्स कंडीशन लगा देंगे। तो अब क्या है, लेस देन है, नहीं है, तो एल्स कंडीशन क्या है कि इसको पुश कर दो ये आंसर, ठीक है। तो टू को पुश करा और ये आगे बढ़ जाएगा। अब टू और थ्री में कौन छोटा है, टू छोटा है, तो टू को पुश करा ये वाला आगे बढ़ जाएगा। थ्री और फोर में कौन छोटा है, थ्री है, थ्री को पुश करा आगे बढ़ गया। फोर और सिक्स में कौन छोटा है, फोर छोटा है, तो फोर को पुश करा और ये आगे बढ़ गया। एट और सिक्स में कौन छोटा है, सिक्स छोटा है, तो सिक्स को पुश करा और ये आगे बढ़ गया। अब ये जैसे ही आगे बढ़ गया, तो मतलब वाइल इसका लूप चलना था मेरा, वाइल आई लेस देन एन एंड जे लेस देन एम, ठीक है। तो आई लेस देन एन मेरा कंप्लीट हो गया, तो ये लूप ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी इसके एलिमेंट्स कुछ बचे हैं, तो एक और लूप चलेगा मेरा, या तो मेरे इसके एलिमेंट्स बच सकते हैं या इसके एलिमेंट, तो एक और लूप चलेगा मेरा वाइल आई लेस देन एन और जो भी एलिमेंट्स भरे हैं उसमें डाल दो, या फिर इसके एलिमेंट्स बचेंगे, किसी एक ही के एलिमेंट्स बचेंगे, वाइल जे लेस देन एम उसके जो एलिमेंट्स हैं उसको उठा के डाल दो। तो ये अभी इसके एलिमेंट्स बचे हैं, तो इसके एलिमेंट्स 9, 9, 10, ये मेरा आंसर होना चाहिए इसके हिसाब से, ठीक है। ये हमारी मेन अप्रोच है क्वेश्चन की। लेकिन क्वेश्चन में हमारा ये वाला कोड नहीं चल रहा है, मैं कोड जो है गिटहब का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वो कोड नहीं चल रहा। जो कोड चल रहा है वो देखो यहाँ पर कैसे चल रहा है, मतलब यहाँ पर जो मैंने मर्ज शॉर्ट वाला कोड लिखा था वो वर्क नहीं करा, मुझे नहीं पता क्या दिक्कत थी, एक बार आप करके देखना अगर मर्ज शॉर्ट चल रहा हो। देखो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल सेम तरीके से हुआ है, इन ऑर्डर किया है, रूट नहीं है तो रिटर्न कर जाओ, इन ऑर्डर लेफ्ट में जाओ, एरे में भरो और पुश कर दो, फिर राइट में जाओ, ठीक है सेम। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया कि एक एरे लिया, उसी दो एरे में हमने अलग अलग एरे में नहीं करा, उसी एरे में डाल दिया और उसको सॉर्ट कर दिया सिंपल से, या तो मर्ज शॉर्ट कर दे। अब ये सॉर्ट हुआ तो एन लॉग एन लगी, मर्ज शॉर्ट होता तो एम प्लस एन चलता, एन लॉग एन में चल रहा है, शायद उस तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी के इसमें वो ना हो इस वजह से चल रहा है। हालांकि मेन अप्रोच वो थी, अप्रोच को डिलीवर करना मेरा मेन काम था, वो मैंने डिलीवर किया, कोड में क्या इशू आ रहा है मुझे नहीं पता। लेकिन अगर अप्रोच समझ आई हो तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलो इसी के साथ वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।